इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको इस तरीके से आपको दिखाई देता है दी गूगल असिस्टेंट इंसर्ट्स अवेलेबल ऑन दिस डिवाइस और यहाँ पर नीड्स टू यूज़ गूगल अकाउंट, तो इस तरीके से आपको दिखाता है, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप प्ले स्टोर में जाइए एंड असिस्टेंट को यहाँ पर सर्च कर लीजिए और देखिए कि यहाँ पर ये डिसेबल तो नहीं है, ये ओपन का ऑप्शन दिखाना हुआ होना चाहिए जैसे कि मेरे यहाँ पर दिखा रहा है। डिसेबल या इंस्टॉल वगैरह हो तो आप इन्हें इंस्टॉल कर लीजिएगा, पहले तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है। एंड सेकंड मैन इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर आपको गूगल को भी सर्च कर लेना है, अगर इसमें आपको अपडेट आ रहा हो तो अपडेट कर लीजिएगा एंड ये भी डिसेबल हो तो इसको ऑन कर लीजिएगा। फिर यहाँ से बैक ले आइएगा और अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाइएगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है वो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो एक दफ़ा एरोप्लेन मोड लगा लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर आपको जो है फिर ऐप्स में जाना है और ऐप्स में जाने के बाद आपको मैनेज ऐप्स पे जाना है और यहाँ पर गूगल को सर्च कर लेना है, फोर्स स्टॉप यहाँ से कर देना है गूगल को एंड इसमें से सारी परमिशंस को ऑन कर देना है, फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ सब चीज़ें। एंड फिर यहाँ पर आपको असिस्टेंट को भी सर्च कर देना है, ठीक है। अगर यहाँ पर डिसेबल्ड हो ये तो इनेबल्ड कर दीजिएगा एंड यहाँ से इसका डेटा क्लियर करके इसे दोबारा स्टार्ट करिएगा। रिस्ट्रिक्ट डेटा यूसेज अगर इस पर लग रहा हो, फिर फिलहाल तो है नहीं लेकिन अगर लग रहा हो तो लगा लीजिएगा और क्लियर डिफॉल्ट्स पर क्लिक भी करके इसको कर दीजिएगा, तो फिर आपको जो ये प्रॉब्लम आ रही है ये सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा क्योंकि हर डिवाइस में ये वर्क नहीं करती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।